हेलो एंड वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले तो भाई आप लोगों को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप सबका न्यू ईयर सेफ रहा होगा। एंड गाइज, मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं बिजी था कुछ दूसरे कामों के साथ में, बट आई एम बैक विद द मोस्ट ट्रेंडिंग इफेक्ट विच इज गोइंग ऑन टिकटॉक एंड ऑन इंस्टाग्राम रील, जिसका नाम है फ्लैश वार्निंग इफेक्ट। सो ये इफेक्ट बनाने के लिए हमें चाहिए काइनमास्टर, पिक्सार्ट एंड मेगा फोटो ऐप। मेगा फोटो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट पिक्सार्ट मेरे पास प्रॉपर मॉडेड वर्जन नहीं था तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है। इन फ्यूचर अगर मुझे मिलता है आई विल श्योरली एड दैट एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट एनी बकवास लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले काइनमास्टर ओपन कर लेंगे एंड इंस्टाग्राम का जो रेजोल्यूशन है दैट इज 9.16, बट हम 16:9 इस ट्यूटोरियल के पर्पज के लिए यूज करेंगे। अपना क्लिप ड्रैग कर लेंगे जो क्लिप पे आपको इफेक्ट डालना है। सो दिस इज द क्लिप दैट आई एम गोइंग टू टेक एंड इसके बाद हम ऐड करेंगे हमारा फ्लैश वार्निंग का जो सॉन्ग है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब जहां पे ये बीट आता है वहां से वो इफेक्ट चालू होता है, तो हमें वो बीट के पास आके पहले तो प्लेहेड रखना है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका बीट कहाँ पे। यहाँ पे एक मैंने मार्क लगा दिया है एंड अप्रोक्सीमेटली शायद यहीं कहीं पे बीट है। लेट मी जस्ट प्ले एंड चेक इट। यस, सो यहाँ पे आपको अपना प्लेहेड रखना है और यहाँ पे क्लिक करके कैप्चर एंड सेव करना है। सो इसका एक फोटो आपके फोन में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसको ट्रिम करना है, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड करना है। सो आपका जो राइट साइड का जो क्लिप है वो डिलीट हो जाएगा। अब इसको मिनिमाइज करना है और पिक्सार्ट ओपन करना है। उसके बाद हम एडिट फोटो क्लिक करेंगे और हमारा जो कैप्चर्ड इमेज है उसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस है, आप या तो स्टिकर्स यूज कर सकते हो या तो पीएनजी इमेज। सो स्टिकर्स के लिए आपको यहाँ पे स्टिकर्स पे क्लिक करना है एंड सर्च बार में आपको जिसका भी फोटो, जो भी एनिमे का फोटो आपको डालना है वो सर्च करके, आपको स्क्रॉल करके आप ऑप्शंस है वो सारे चेक कर सकते हो। सो ये ट्यूटोरियल पर्पस के लिए मैं ये इमेज सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसको हमारे जो हमारा बंदा है जो उड़ रहा है वहां पे उसके साइज के हिसाब से इसको रीसाइज कर देंगे एंड इसको सेव कर लेंगे। सो अगर आपको पीएनजी लेना है तो आपको नीचे यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करना है और आपका जो पीएनजी आपने सेव किया है उसको सिलेक्ट करना है एंड उसको रीसाइज करना है आपके सीन के हिसाब से। इसको सेव करना है, ये आपके गैलरी में सेव हो गया है। अब आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन ओपन करना है जो है मेगा फोटो ऐप। अब जैसे ही ये ऐप ओपन करोगे आपको लिस्ट ऑफ इफेक्ट्स देखने मिलेगा। आपको स्क्रॉल करना है लेफ्ट में जब तक आपको ये इफेक्ट नहीं मिलता। इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड नीचे बॉटम में सेटिंग आइकन को क्लिक करके इमेज वीडियो फ्रॉम लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। अभी जो आपने पिक्सार्ट में इमेज एडिट किया था उसको सिलेक्ट करना है, ओके करना है एंड स्क्रॉल करके आपको रेड वाला इफेक्ट सिलेक्ट करना है। अगर आप स्क्रीन पे टैप करके ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्पीड जो है इफेक्ट का कम ज्यादा होगा, बट फॉर ट्यूटोरियल पर्पस मैं उसको डिफॉल्ट में ही रख रहा हूँ अभी। एंड वीडियो आइकन जो है बॉटम पे उसको क्लिक करके मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा। एक 10 सेकंड का क्लिप रिकॉर्ड करना है एंड अगेन आपको रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना है टू कंप्लीट द वीडियो। ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो गई, आप देख सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू काइनमास्टर अगेन। अब जहां पे आपके क्लिप को ट्रिम किया था वहां पर आपका प्लेहेड रखना है एंड मीडिया पे जाके आपने जो वीडियो जस्ट अभी रेंडर किया है मेगा फोटो ऐप से उसको सिलेक्ट करके एंड उसका जो क्लिप लेंथ है अपने सॉन्ग के हिसाब से एडिट कर देंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू म्यूट द वॉल्यूम ऑफ द क्लिप। एंड दैट्स इट गाइज, योर फ्लैश वार्निंग इफेक्ट इज रेडी। ये बहुत ही सिंपल है एंड अगर आपको टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट तो आई होप सभी को आता है डालने के लिए। मैं यहाँ पे जिस ट्यूटोरियल पर्पस के लिए बता रहा हूँ फ्लैश वार्निंग एंड आप लोग यहाँ पे वार्निंग आइकन भी डाल सकते हो।
इसको जहाँ भी प्लेस करना है आपके सीन में आपको प्लेस करना है, एंड जो टेक्स्ट का जो लेंथ है वो फर्स्ट क्लिप के लेंथ के हिसाब से रखना है, एंड इसका ओवरऑल एनिमेशन फ्लिकर पे रखना है एंड आउट एनिमेशन फेड पे रखना है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है सो प्लीज कंजूसी मत करो यार, लाइक करो, कमेंट करो और जितना हो सकता है उतना शेयर करो। नॉलेज बांटने से बढ़ता है, सो बांटो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।